আগে জয়গার বিহাল রাস্তার সংস্কার সহ ভুটান থেকে ওভারলোডিং গাড়ি দৌড়াতো বন্ধের দাবিতে জয়গা থানা ও জেডি অফিসে লিখিত অভিযোগ জয়গা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। ভারত ভুটানের যোগাযোগের একমাত্র সড়ক জয়গা হয়ে যায়, আর এই সড়ক খানা খন্দরে ভরা দীর্ঘ সময় ধরে। সড়কটি এতই বেহাল হয়ে পড়েছে যে 3 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করতে আধা ঘন্টার সময় লাগে, সাথে মাঝে মধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটছে। এই অবস্থা দেখে অবশেষে সামনে এলো জয়গা 2 নং অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবর্গরা। পুজোর আগে রাস্তা সংস্কার করা এবং ভুটান থেকে ওভারলোডিং বোল্ডারের গাড়ির দৌরাত্ম বন্ধের দাবিতে লিখিত জানিয়েছে জয়গা থানা ও জেডিএ কার্যালয়। মাঝে মধ্যে এশিয়ান হাইওয়ে দ্বারা অস্থায়ী রাস্তা সংস্কার করলেও ভুটান থেকে কয়েক শত বোল্ডার বোঝাই ওভারলোডিং লরির দৌড়তে ফের বেহাল হয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজের দাবি জানান জয়গা 2 নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। জয়গাঁও মে জো রাস্তা ঘাট কাজ জো অসুবিধা হোকে হাম লোগ কা ইস জয়গাঁও কা বাসিন্দা কো বহুত তারা কা অসুবিধা হো রাহা হ্যায়, ইসকে লিয়ে আপ লোগ কো বুলায়া হ্যায় আজ কি থোড়া মেসেজ করনে কে লিয়ে কি ইয়ে রাস্তা থোড়া মরমত করনে কে লিয়ে হাম লোগ নে ডিএম সাহেব কো ভি চিঠি দিয়া হুয়া হ্যায়। जो रास्ता इस तरह से खराब हुआ है, ना गाड़ी ढंग से चल सकता है, ना इंसान ठीक से चल सकता है, इसका कारण से बहुत असुविधा हो रहा है हम लोग का जयगाँव में, जो हम लोग का जनता को असुविधा जो हो रहा है, इसके लिए डीएम साहब को हम लोग ने ऑलरेडी चिट्ठी किया हुआ है, और इसी का साथ साथ में हम लोग ने जयगाँव थाने में भी एक चिट्ठी किया हुआ है। जयगाँव का चिट्ठी ये है, जयगाँव थाना का चिट्ठी, जो कि भूटान से जो भी बड़ा बड़ा गाड़ी आता है उसमें बहुत सारा ओवरलोड माल लेके आ रहा है, उस ओवरलोड का कारण से रास्ता एकदम खराब हो रहा है। आज हमारे सरकार बहुत कुछ पैसे दिया हुआ है जनता को सुविधा करने के लिए, लेकिन यही सही ढंग से कितना जगह में काम नहीं होने का कारण से हमारा जनता को असुविधा हो रहा है। इसके लिए हम लोग ये 2-4 दिन का समय दिया हुआ है उन लोग को, अगर समय के अनुसार काम अगर ढंग से टाइम में नहीं हुआ और जनता को सुविधा नहीं मिला तो हम लोग इस पार्टी का थ्रू से हम लोग आंदोलन करेंगे और रास्ता जाम करने का हम लोग एक तो रास्ता में हम लोग उतरेंगे। रास्ता बार बार क्यों खराब हो रहा है? रास्ता खराब होने का कारण ये है कि भूटान का जो ओवरलोड बोल्डर जा रहा है, तो इसी कारण से रास्ता जितना बनाते जा रहा है उतना खराब होते जा रहा है। तो इसके लिए अभी ये पूजा भर हम लोग का रास्ता बहुत अच्छे से होना चाहिए, और उतना तक ये भूटान का जो ओवरलोड बोल्डर है उसको अंडरलोड करना पड़ेगा बोल के हम लोग जयगाँव थाना में चिट्ठी दिया हुआ है।